शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र आज अपनी छात्रवृत्ति न मिलने से खफा होकर जनसुनवाई में पहुंची, जहां उन्होंने शिवपुरी कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंप कर अपनी छात्रवृत्ति मिलने की गुहार लगाई। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं, फिर भी उन्हें समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिली और न ही छात्रवृत्ति पोर्टल सुचारू रूप से चल रहा है, जिस कारण हम सभी विद्यार्थी छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। यह सभी छात्र एससी एसटी ओबीसी एवं मेधावी छात्र योजना के छात्र हैं। छात्रों का कहना है कि हमने कई बार छात्र शाखा को भी सूचित किया गया है, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, जिस कारण हम सभी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं और आज हम जनसुनवाई में आए हैं। मुनु नामदेव, शिवपुरी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा मुद्दा ये है कि हम छात्र स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, कुछ मेधावी छात्र हैं, उसको जो ओबीसी एसटी एसटी पर उनको स्कॉलरशिप दी जाती है माननीय सरकार द्वारा, उनको प्राप्त नहीं हो रही है। लगभग हमारा ये एडमिशन ईयर 2020 था, जिसमें अभी तक 1.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। कुछ छात्रों की आई है परंतु आधी आई है, पर जो छात्र वंचित रह गए उनकी ये मांग है कि हमारी स्कॉलरशिप हमें दी जाए, क्योंकि ये हमारा हक है और हमारा एडमिशन भी इसी उस पर हुआ था कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, परंतु वो अभी तक आई नहीं है। इसलिए हम अप्लाई किया है परंतु उसमें कुछ सेंशन नहीं हो रहा, बार बार पोर्टल बंद हो जाता है, सब चालू हो जाता है, बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, और मेरा भी साथ पोर्टल पर अभी तक फोर्थ एड नहीं किए गए हैं। हम फोर्थ एड करवाना चाहते हैं, इससे जो छात्र है उनको इस योजना का लाभ मिले। मेरा भी छात्र का लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट है। कितनी मिलती है बच्चे को स्कॉलरशिप? कितनी मिलती है जो साधन द्वारा निर्धारित कैटेगरी के हिसाब से और आश्वासन आपको दिया गया था? पॉलिसी हमको ये कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई हो चुकी है, पर अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया। वो कह रहे हैं कि यहाँ से सामान जो जुटाए वो कहते हैं भोपाल में, हम इस छात्र जमीन में फंसे कि हम अपनी पढ़ाई करें।